बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सब दोस्तों को अपने YouTube चैनल नोमी टीवी प्लस पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो दरअसल पिछली वीडियो का पार्ट टू है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस तरह खजूर के एक बड़े पौधे की गाची बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाची बनाने के बाद आप क्रेन की मदद से किस तरह पौधे को लोड करके आगे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, करेन आ चुकी है और पौधे को बेल्ट डाल के हमने करेन के बूम के साथ बांध दिया है और अब पौधे को शिफ्ट करने के लिए उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन तरीके से निकाला गया पौधा है। इसको जैसे हम आगे शिफ्ट करेंगे, खड़ा करेंगे, ज़मीन में लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये बगैर सूखे, बगैर मुरझाए इंशाल्लाह ग्रो करना शुरू कर देगा और ये एक बेहतरीन तरीका है पौधे को आगे शिफ्ट करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगेबान।